हेलो, शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें लाजमी, क्योंकि मैं जो आपके सामने वोकैबुलरी लाता हूँ ये मैं खास तौर पर बड़ी मेहनत के साथ लाता हूँ। उसके मल्टीपल यूजेज बताता हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, इस तरह के। प्लस मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने रखूँ ताकि जिसे आप एफिलिएट कर सकें, आपके सामने एग्जाम्पल एक स्केच बन सके। तो मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो हमारे पास वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट ये बेसिकली तीन तरह तरीके से यूज हो सकते हैं, नाउन भी, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव, या मीनिंग सेम ही है, बस ये कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट उसके फंक्शंस है। एडजेक्टिव में कोई भी ऐसी चीज जो एग्जैक्टली कॉपीड की कॉपीड हो और सेम वैल्यू के तौर पे, ठीक है, फ्रॉडलेंट एंड डिसीटफुल पर्पस के लिए, यानी कि किसी फ्रॉड के लिए या किसी भी किसी को धोखा देने के लिए। मिसाल के तौर पे ये कोई करेंसी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक नोट छाप दिया, या फिर मिसाल के तौर पे किसी की पायरेटेड कॉपीज बनाना। मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी एक चीज थी, प्रोडक्ट थी, मैंने उसकी कॉपी कर दी एग्जैक्टली सेम। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाली तौर पर उसको बेच सकता हूँ, हालांकि मेरे पास कॉपी राइट नहीं है। सो ऐसी चीजों को काउंटरफीट कहते हैं। ओके, सो सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव बीन अरेस्टेड फॉर द एलिगेशन ऑफ काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी। वो अरेस्ट हुए, एक उन पे इल्जाम था कि उन्होंने करेंसी की काउंटरफीटिंग की, यानी कि जाली करेंसी बनाई, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरपोल इज अर्जिंग ऑल कंट्रीज टू टेक सीरियस एक्शन, सीरियस मेजर अगेंस्ट काउंटरफीट क्राइम्स, ठीक है। जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस, वो तमाम कंट्रीज को अर्ज कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप सीरियस मेजर लें या एक्शंस लें जो के काउंटरफीट क्राइम्स, मिसाल के तौर पे करेंसी का हो सकता है या कॉपीराइट्स के इश्यूज पे, ये सारी चीजें।